आज प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको विशाखापट्टनम का बस अड्डा का टूर कराएगा, जिसको RTC कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का एक और रास्ता है। विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑफिस को बाहर से आप देखिए, ये ललिता ज्वेलरी है। आंध्र प्रदेश का बहुत बड़ा सोने का व्यापारी है। कॉम्प्लेक्स के साइड से देखिए, ऊपर से हाईवे गया है रेलवे स्टेशन की तरफ। और ये विशाखापट्टनम का RTC कॉम्प्लेक्स का जो आउटसाइड, विशाखापट्टनम RTC कॉम्प्लेक्स का आउटसाइड का बस स्टैंड है ये। अभी मैं आपको इनसाइड RTC कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम को दिखाने वाला हूँ। इस रास्ते से हम लोग अंदर जाएंगे। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये RTC कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम में जितना भी बस है, बस की एंट्री गेट यही है। ये एंट्री गेट है, इसको हम दिखा रहे हैं आपको। एंट्री गेट को आप देखिए, विशाखापट्टनम बस स्टैंड में जितना भी बस अंदर जाएगा, इसी रोड से अंदर जाता है। जितना भी बस जाएगा इसी रोड से अंदर जाने वाला है। इसको आप देखिए, देखिए आपको लग गया ना, इसी रोड से अंदर जाएंगे। सब एंट्री गेट है। विशाखापट्टनम जो है बस इसी गेट से अंदर जाता है, इनसाइड गेट है। एक देखिए और लोकल बस है, RTC कॉम्प्लेक्स के आउटसाइड बस स्टैंड में रुकी हुई है। ये आउटसाइड बस स्टैंड है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं आती, लोकल बस है, सिर्फ लोकल बस है ये। ये इंटरसिटी बस नहीं है, सिर्फ लोकल बस है। आज प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको विशाखापट्टनम का बस अड्डा, जिसको RTC कॉम्प्लेक्स विशाखापट्टनम बोलते हैं, उसका आपको टूर कराएगा। तो आप इस टूर को देखिए, एंजॉय कीजिए, मजा कीजिए। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नॉन रिजर्वेशन वाले पैसेंजर के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है, देखिए इसको आप। ये विशाखापट्टनम बस अड्डा का टिकट काउंटर है, आप कहीं भी इंटरसिटी टिकट यहीं से ले सकते हैं। इसको आप देखिए, टिकट काउंटर के पास ही एक क्लॉक रूम है, क्लॉक रूम देखिए इसको आप। ये विशाखा बस अड्डा का इंक्वायरी है, कौन सा बस कब मिलेगा, किस स्टैंड पे मिलेगा, यहाँ पे बताया जाता है। प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको दिखा रहा है। विशाखापट्टनम में बस अड्डे में बहुत ही अच्छा व्यवस्था है बैठने का, देखिए इसको आप। विशाखापट्टनम बस अड्डे से इंटरसिटी में कहाँ कहाँ पे, जैसे हैदराबाद, नेलोर, तिरुपति, जो है कुर्नूल, श्रीसैलम, सब जगह पे गुंटूर, जहाँ कहाँ बस जाती है उसे यहाँ पर डिटेल टाइम टेबल लिखा हुआ है, देखिए इसको आप। इंटरसिटी बस स्टैंड के अनरिजर्व सीटिंग व्यवस्था में बैठते हुए फोटो खींच रहा हूँ मैं। इंटरसिटी बस स्टैंड में एक इंटरसिटी बस खड़ा हुआ है। जस्ट इस बस स्टैंड के अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारे खाने पीने का सामान वाले, जो निजी यात्रा में जरूरत पड़ता है जिन सामानों का, बहुत सारे दुकान पे भरे हुए हैं, देखिए इसको आप। इंटरसिटी बस स्टैंड में देखिए लाइन से बस खड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश के बस खड़े हुए हैं, दूसरे स्टेट के बस खड़े हुए हैं लाइन से, देखिए यहाँ पे इंटरसिटी बस स्टैंड में लाइन से देखिए। और उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में खाने पीने का, यात्री का जो भी जरूरत पड़ता है यात्रा में, वो यहाँ पे दुकानें 24 घंटे शिफ्टिंग में खुले रहते हैं, 24 घंटे आपको कोई असुविधा नहीं होगा। इंटरसिटी बस स्टैंड विशाखापट्टनम को एक और एंगल से देखिए, यहाँ पे सब बस इंटरसिटी बस खड़े हुए हैं। और देखिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में खाने पीने का सामान जो है 24 घंटे खुला रहता है, कोई असुविधा आपको नहीं होगा। प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको दिखा रहा, देखिए इसको आप। ये प्रीपेड टॉयलेट वॉशरूम लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, यहाँ पैसा देके आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, देखिए इसको आप। ये 24 घंटे 24 आवर खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। इंटरसिटी बस स्टैंड को एक और एंगल से देखिए,
एक और एंगल से देखिए बहुत बड़ा बस स्टैंड है ये विशाखापट्टनम बस अड्डे का। ये मंथली बस पास स्टैंड है, बस पास यहाँ पे मिलता है मंथली। यहाँ 24 घंटे फैन फैसिलिटी, लगातार फैन और लाइट मिलेगा यहाँ पे। रात में एकदम इतना लाइट होता है। आप प्रदीप्ता ब्लॉगर के वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कैंटीन के साइड से ही प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये इंटरसिटी बस स्टैंड है। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से श्रीकाकुलम के लिए नॉन स्टॉप बस छूटेगा, जैसे विजयनगरम जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बस छूटता है। देखिए लाइन से इंटरसिटी बस लोग खड़े हुए हैं और सब जहां से लोग पैसेंजर लोग बाहर आउटसाइड इंटरसिटी जाते हैं। नरसिंहपट्टनम के लिए देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 से बस छूटने वाला है। तो देखिए इंटरसिटी बस स्टैंड में पैसेंजर लोग के बैठने का भी जगह है। ये सब इंटरसिटी बस है, जो एसी बस है, नॉन एसी बस है। विशाखापट्टनम बस अड्डे का बस स्टैंड है, इंटरसिटी बस स्टैंड है। इसको देखिए आप, ये एयर कंडीशन बस है। ये इंटरसिटी बस स्टैंड का टिकट काउंटर है, इसको आप देखिए। और जस्ट इसके ऊपर ऑपोजिट में ही इंटरसिटी बस स्टैंड है। जैसे गुंटूर एक जगह का नाम है, हैदराबाद जगह का नाम है। यहाँ से सिटी बस, इंटरसिटी बस यहाँ से मिलता है। विजयवाड़ा राजमुंडी का बस भी यहाँ से मिलता है। ये इंटरसिटी बस स्टैंड का टिकट काउंटर को एक और एंगल से देखिए, दिन जैसा लगता है। इंटरसिटी बस स्टैंड को देखने के बाद हम लोकल बस स्टैंड, सिटी बस स्टैंड को हम लोग देखने वाले हैं। ये इंटरसिटी वे टू सिटी बस स्टैंड है। चलो अंदर हम लोग जाते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। ठीक, सिटी बस स्टैंड का जो टूर प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको विशाखापट्टनम बस अड्डे से कराने वाला है, इसको आप देखिए। विशाखापट्टनम बस अड्डा का सिटी बस स्टैंड पैसेंजर लोग के वेटिंग करने का है, देखिए। और सामने बस, सारे बस खड़े हुए हैं, इसको आप देखिए, लाइन से बस खड़े हुए हैं। सिटी बस स्टैंड का जो है ना टाइम टेबल, जैसे सीमाचलम को जाने का टाइम टेबल पूरा दिया हुआ है। सिटी बस स्टैंड को एक और एंगल से देखिए, अभी प्रदीप्ता ब्लॉगर आपको एक और एंगल से दिखाएगा। सिटी बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट साइड में खाने पीने का, यात्रियों के खाने पीने का 24 घंटे का व्यवस्था है यहाँ पे। कभी भी आप आइए, 24 घंटे कुछ न कुछ टिफिन खाना इस टाइप से मिलेगा, मील्स मिलेगा। दूर से देखिए विशाखापट्टनम बस अड्डे का सिटी बस स्टैंड मुख्य रूप से दो ग्रुप में बटा हुआ, दो तरीके से बटा हुआ है। सिटी बस स्टैंड में बस को जाते हुए देखिए आप। विशाखापट्टनम में 400 नंबर का बस बहुत पॉपुलर है, 400 नंबर बस। विशाखापट्टनम में श्री साई पार्लर जो है 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है। ये बहुत पॉपुलर पार्लर है पूरे विशाखापट्टनम में। इसके बहुत सारे ब्रांच है, न जाने कितने ब्रांच है, कितने फ्रेंचाइज है, उसका ठिकाना नहीं। ये एक इंटरसिटी बस है, एसी बस है इंटरसिटी। ये एक इंटरसिटी नॉन एसी बस है जो भूमिगत रास्ते से अंदर जा रही है। अभी मैं भूमिगत रास्ता आपको दिखाऊंगा। ये विशाखापट्टनम बस अड्डे का भूमिगत बस रास्ता है, भूमिगत रास्ता है, बस कार टैक्सी सब जाने के लिए। यहाँ से इंटरसिटी बस आके इस रास्ते से, भूमिगत रास्ते से बाहर निकल जाती है। अंडरग्राउंड भूमिगत रास्ता है, अंडरग्राउंड रास्ता है। आप जो है प्रदीप्ता ब्लॉगर के वीडियो को देखने के बाद जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। विशाखापट्टनम बस अड्डे में यात्रियों के जो जो चाहिए साइबर फैसिलिटी सब देखिए आप, लाइन से मिलेगा। विशाखापट्टनम बस अड्डे से लगा हुआ साइबर फैसिलिटी, खाने पीने का सामान सब मैं बहुत पास से दिखा रहा हूँ आपको। ये विशाखापट्टनम बस अड्डे के बिल्डिंग में जुड़े हुए हैं, इसको आप देखिए, इसको आप देखिए। इस लाइन में, लाइन से ना इस यहाँ पे साइबर कैफे, मोबाइल के दुकान का डिमांड है, ये सब जिसका डिमांड है वहीं पे लाइन से मिलेगा आपको। देखिए सामने लगेज बैग ये सब की दुकान है,
यात्रियों को लगेज बैग की जरूरत पड़ सकता है। इसका दुकान देखिए सामने एक और क्लॉक रूम है, एक और विशाखापट्टनम बस अड्डे का क्लॉक रूम है। सो देखिए आप देखिए DTDC कोरियर को एमरजेंसी आपको कोरियर सर्विस करना है तो यहाँ मिलेगा। उड़ीसा का सब जितने बस सिटी है ना वहाँ का जो बस स्टैंड है, बस टिकट काउंटर है, उड़ीसा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जितना भी टिकट मिलता है इंटरसिटी टिकट यहाँ पे एडवांस बुकिंग होता है। विशाखापट्टनम कैंटीन है, ये कैंटीन को देखिए, कैंटीन के अंदर हम लोग जाएंगे। आप कविता ब्लॉगर के इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैंटीन के अंदर अभी हम लोग जाएंगे। कैंटीन में सेल्फ सर्विस बेसिस पे सब कुछ खाने पीने का सामान मिलता है। ये कैंटीन को देखिए, ये कैंटीन को पूरा देखिए, सामने देखिए इधर टिकट काउंटर है, सामने टिकट काउंटर है, ये सर्विस काउंटर है विशाखापट्टनम बस अड्डे का सर्विस काउंटर है। यहाँ से मैं दही बड़ा लेने वाला हूँ, 60 रुपीज़ का दही बड़ा लेंगे। दिस इज प्रदीप्ता ब्लॉगर मेमोरी, ठीक है। माय मेमोरी ओनली 60 रुपीज़ में दही बड़ा मिला, बहुत ही सस्ते मिलता है। देखिए इसको विशाखापट्टनम बस अड्डे के टिफिन सेंटर को एक बार फिर से दिखाते हैं, इसके बाद प्रदीप्ता ब्लॉगर टिफिन करेगा। विशाखापट्टनम बस अड्डे का एक और कैंटीन है, इसको आप देखिए अंदर से हम दिखाऊंगा। विशाखापट्टनम बस अड्डे का एक और कैंटीन है, ये एक और कैंटीन है, ये इसको आप देखिए। विशाखापट्टनम बस अड्डे में 20 रुपीज़ पर एक घंटे का ये जो बस का रेस्ट रूम होता ना, एयर कंडीशन रेस्ट रूम, ये है 20 रुपीज़ पर हेड एक घंटे का। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है पैसेंजर बैठे हैं, इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। प्रदीप्ता ब्लॉगर धीरे धीरे विशाखापट्टनम बस अड्डे का टूर को ख़त्म करने वाला है। वीडियो को अच्छा लगने से आप प्रदीप्ता ब्लॉगर को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्लॉगर के इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।